जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम फार्मास्यूटिकल ऐड यानी चैप्टर नंबर 3, फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी फार्मास्यूटिक डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 पे हम इसमें सबसे पहले हम पढ़ चुके थे क्या फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है इस एक लेक्चर में, कलरिंग एजेंट क्या होता है एक लेक्चर में हम इसे ख़त्म कर दिए थे, और आज हम पहुंच चुके हैं फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक, ये फार्मास्यूटिकल यानी चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल एड्स का ये तीसरा लेक्चर है फ्लेवरिंग एजेंट। इसके पहले आप फार्मास्यूटिकल ऐड और कलरिंग एजेंट नहीं देखे हैं तो पीछे आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक, अब फ्लेवर क्या होता है? जैसे आप मार्केट में जाएंगे, कहेंगे चॉकलेट चाहिए, वेनिला फ्लावर दे दो, ठीक, ये फ्लावर दे दो, वो फ्लावर दे दो, बहुत सारा फ्लावर में अवेलेबल है, फ्लावर में नहीं फ्लेवर में अवेलेबल है। ठीक, सुगंध में जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो खाने में मस्त है, नहीं बोलते हैं वेनीला कलर दे दो, चॉकलेट यानी चॉकलेट फ्लेवर दे दो, ये फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर दे दो, लेमन फ्लेवर दे दो, मैंगो फ्लेवर दे दो। तो ये फ्लेवर कहाँ से आता है मेरे भाई? ठीक है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर मांगेंगे, लड़के हैं यार कुछ भी खाएँ, खा के ख़त्म कर दिए, नमस्ते हो गए, रैपर फायर के साइड में हो गया, ठीक, उतना सोचेंगे नहीं। ठीक, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट, तो अब ये क्या होता है, ये नॉर्मल चीज़ें, अब देखो क्या इन्हीं को क्या कर दिया जाएगा, हमारा जो भी मेडिसिन है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें फ्लेवर ऐड कर दिया गया। लोग सोचे कि मतलब इतने चॉइस ये लोग खा रहे हैं तो पेशेंट को भी क्या कर दिया, फ्लेवर थोड़ा सा ऐड करके खिलाया जाए जिससे जल्दी से वो खाएगा, ईजिली ठीक हो जाएगा। तो यानी लोगों ने दिमाग लगाया, फ्लेवरिंग एजेंट बना दिया, लो बेटा खाओ, मेडिसिन में मिलाओ यार, खाओ बल भर। ठीक है, तो उसी को क्या कर देते हैं, खिलाते हैं हम आपको फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट होता क्या, अब इसे ध्यान से समझिए। देखो क्या दिया, फ्लेवरिंग एजेंट प्ले वाइटल रोल इन ए मेकिंग यानी क्या होगा, डिसरेबल टेस्ट ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज इन द ओरल पर्पज। कहने का मतलब यानी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो फ्लेवरिंग एजेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिक्विड को बनाने में। ठीक, लिक्विड देखेंगे जितने भी आपके कैप्सूल वगैरह वो सब छोड़िए, व्हाइट ही कलर के मोस्टली रहते हैं, अब जितने भी तुम्हारे लिक्विड रहते हैं उनका ना देखेंगे कोई ना कोई एक कलर रहता है, जैसे सिरप लेंगे तो दूसरे कलर का रहेगा, कोई डाइजीन वगैरह लेंगे तो उसमें जैसे क्या अस्थाकान या लेस स्कोरी लिया लेस उनका देखेंगे कोडी स्टार, तो उनका कलर क्या होता, अलग अलग होता है। ठीक, कलर होना तो उनका फिर फ्लेवर में देखेंगे, देखेंगे सुगंध में भी क्या होता, अलग अलग होता है, जैसे टाफी देखेंगे तो भी क्या होता है, अलग अलग में होता है। तो यही तुम्हारा क्या होता, ओरल पर्पज। अब जो भी जितने भी ओरल लिए जाते हैं कि इसमें ओरल मतलब मुंह के द्वारा लिए जाते हैं उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलाया जाता है, क्योंकि हमें मुंह से लेना है तो फ्लेवर यदि अच्छा आएगा तो कोई भी पेशेंट रहेगा इजीली इनटेक कर सकता है। ठीक, अब लिखा नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेशेंट कॉम्प्लिकेशन सर्टेन एंटीबायोटिक मास यानी क्या होता है मैस्टिकेशन मैस्टिकेट द माउथ च्यूएबल टैबलेट ऑफ एंटासिड आर जनरली स्वीटनेस एंड एडेड विद द फ्लेवरिंग एजेंट। कहने का मतलब क्या कर देता है, कोई भी पेशेंट है तो उसे इजिली क्या कर सकता, ले सकता, इसीलिए क्या होता है फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया गया जिससे पेशेंट क्या करेगा इंक्रीज कर सकता कॉम्प्लिकेशन, मतलब यदि ले नहीं रहा तो इजिली उसे ले सकता। सर्टेन एंटीबायोटिक जो मोस्टली एंटीबायोटिक होती कड़वी कलर की होती तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट के साथ साथ फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक, जिससे क्या कर दिया जाता है माउथ में जो भी मैस्टिकेशन हो रहा है जैसे चबा रहे हैं कितने लोग या खा रहे हैं तो क्या कर देते हैं उसे मास्क कर देता है, उसके ऊपर लेयर लगा देता है जिससे हमारा मुंह का स्पेल यानी मुंह का जो स्वाद है चेंज नहीं होता। च्यूएबल टैबलेट जो चेबी च्यूएबल टैबलेट होते इसमें यूज किया जाता है। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है जो हमारे पेट में या सीएल है जो एक्सेस हो गया उसे मेंटेन करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसे एंटासिड बोलते हैं। ये जनरली इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि उन्हें क्या गैस बना है, गैस बना ऑलरेडी वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग की तरह से होता है नहीं बोलते हैं उल्टी हो रही है तो उसमें बताओ कि ऑलरेडी यदि फ्लेवर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे लोग खाएंगे तुरंत तो बहाने से उल्टी हो जाएगी, यदि अब फ्लेवर अच्छा रहेगा तो मनमस्त हो जाएगा, कहेंगे अच्छा लाओ खा लेते हैं। ठीक, तो स्वीटनिंग ऐड टू अब द उसमें स्वीटनिंग के साथ साथ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन था फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में। ठीक, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन किसके किसके आधार पर किया गया, पहले दे रखा फ्लेवर फ्रूट, फ्रूट देखेंगे,
अब कहते नहीं बहुत सारा फ्रूट अवेलेबल है मार्केट में, उसी रूप से मिल जाता है हमें। ठीक, जैसे क्या हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज फ्लेवर में, लेमन फ्लावर में, यानी ये सब में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक, कहते हैं यार थोड़ा सा जैसे आप सिंपली देखिए, टूथपेस्ट लीजिए, टूथपेस्ट में देखेंगे क्या, जब करते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा जो क्लोव, क्लोव की क्या कहती है, स्मेल आती है। ठीक है, क्लोव की स्मेल आती है। चाहे लौंग हो गया, लौंग देखेंगे, लौंग की स्मेल आती है, कहते हैं यार बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम से, यानी ये तुम्हारा क्या कर देता है, दांतों एकदम से वीआईपी ठंडा कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, बच्चे भी क्या कर देते हैं, करते हैं कि, तो लोग तो बच्चे जो मीठा रहता है तो खा हो जाते हैं। ठीक, फ्लेवर बढ़िया रहे तो खा होकर चिकन कर देंगे, तो जो ब्रसवा करते हैं उसी को खा जाएंगे। ठीक, तो ये फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है जो फ्रूट से प्राप्त किया जाता है, लेमन, ऑरेंज, वाटर लेमन, बहुत सारा पाइन एप्पल वगैरह यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लिखा क्या, एरोमेटिक ऑयल, जैसे क्या होगा, सीनामोन ऑयल, क्लोव ऑयल, जिंजर ऑयल, लेमन ऑयल, ये सब यूज किए जाते हैं मेडिसिन में। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे आप टाफी देखिए क्या होता है, कहेंगे विक्स की गोली दे दो, तो उसमें कहते हैं यार कौन सा फ्लेवर, जिंजर फ्लेवर दे दो भाई, अच्छा ये फ्लेवर, यानी जिंजर फ्लेवर, क्लोव फ्लेवर, ये सब फ्लेवर अवेलेबल होता है विक्स में देखेंगे तो। ठीक है, तो ये सब अवेलेबल होता कि मतलब इजिली क्या होगा, कोई खाएगा खांसी भी ठीक हो जाएगी, फ्लेवर भी मिल जाएगा। तो ये आयुर्मेटिक ये सब ऑलरेडी निकाल के इन सब से रखा रहता है, उसी में थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं। सिंथेटिक फ्लेवर जो क्या होता है, वेनीला, जो सबसे फेमस है ई फार्मास्यूटिकल में और जो फूड इंडस्ट्रीज में। ठीक, बेंजा डीहल्डिहाइड, मतलब क्या होता है, बेंजल, यानी बेंजल अल्डिहाइड में भी होता है, क्लासिफिकेशन इसका इतना था, तीन लिखना है, ये नाम लिखना और इसका एक सटीक सटीक एग्जांपल लिख देना है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब सर्टेन क्राइटेरिया, मतलब फ्लेवरिंग एजेंट को क्यों, क्या उद्देश्य है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लाया गया, क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले लिखा है क्वालिटी ऑफ टेस्ट ऑफ फ्लेवर, मतलब क्या होता है, ये कोई भी मेडिसिन प्रजेंट है उसका फ्लेवर को थोड़ा सा इंक्रीज कराने के लिए किया यूज किया, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कराने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। क्वालिटी ऑफ टेस्ट ऑफ फ्लावर, पेशेंट, सॉरी फ्लेवर हो गया, पेशेंट टेक इजिली, मतलब फ्लेवर अच्छा रहेगा तो यानी पेशेंट इजिली ले सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखो कह दिया, यानी सुटेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर, कलर, स्वीटनिंग ईटीसी, मतलब क्या कर देते हैं, कोई मेडिसिन है तो उसमें क्या क्या चीज़ ऐड कर देते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, मीठापन ऑलरेडी ऐड कर देंगे, कलरिंग एजेंट, कलर भी ऐड कर देंगे, लो बेटा उससे के साथ साथ क्या हो गया, फ्लेवर भी ऐड कर दिया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब तीनों रहेगा, मीठा भी रहेगा, कलर देखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ी सी स्मेल जो आ रही है वो भी बढ़िया रहेगी, तो क्या इजिली जो पेशेंट है इनटेक कर सकता है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है कि फ्लेवर यदि रहेगा तो कोई पेशेंट इजिली ले सकता है। ठीक, अब यूजेज के देख लिया जाए, यानी फ्लेवरिंग एजेंट यूज कहाँ किया जाता है, फ्लेवर एजेंट ऐड टू मास्किंग द डिसरिएबल ऑर्डर और टेस्ट, मतलब कोई मेडिसिन है उस क्या है, वो थोड़ा सा कड़वा टाइप में है, स्मेल टाइप में, उसकी स्मेल खराब है। ठीक, स्मेल खराब है तो उसमें क्या कर देंगे, फ्लेवर ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब उसका जो कड़वापन है या स्मेल, जो खराब स्मेल है उसे सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट का यूज कर लेते हैं। टू इंक्रीज पेशेंट एक्सेप्टिव, यानी एक्सेप्टेंस टूवर्ड द ड्रग्स, मतलब क्या कर देते हैं, यदि फ्लेवरिंग एजेंट रहेगा तो यानी जो भी पेशेंट रहेगा इजिली क्या कर सकता है, मेडिसिन को एक्सेप्ट करके खा सकता है, जिससे जल्दी से जल्दी वो क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसमें हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो हम चलो तो होशियार हैं कि मतलब हमें पता कि अच्छा कड़वा यदि खाएंगे बाबू हम सही हो जाएंगे जल्दी, बच्चे थोड़ी ना पता है। ठीक, तो बच्चों के लिए क्या करें, जितनी भी सिरप वगैरह होते हैं इस पे देखेंगे अब फ्लेवर में आता है। ठीक, पाइन एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, अब यहाँ तो वेटनरी प्रोडक्ट जो भैंसों के लिए आता है उसमें भी फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट मिला दिया जाता है कि लो बेटा, पहले क्या होता था, वो सुने होंगे, कहते हैं कैल्शियम दे दो भैंस को। ठीक, तो उसमें क्या कहता है, 5 लीटर का देखेंगे तो उसमें पाइन एप्पल फ्लेवर है, लो बेटा खाओ, भैंस भी मस्त तरीके से मस्त खाएगी, पाएगी तो 5 लीटर एक दिन में पीक चिकन कर देगी। ठीक, तो क्या फ्लेवर में ऐड कर दिया जाता है, जिससे भैंस वैंस जो भी छोटे बच्चे वगैरह है कोई भी मेडिसिन है इजिली उसे इनटेक कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता, यूज किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट पर। लास्ट के आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इतने टॉपिक आपको हर एक कोई भी चीज़ रहेगा तो फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या कलरिंग एजेंट में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। पहले देर करते हैं एडवांटेज, इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर टेबल, यानी ये क्या लिख दिए, टैबलेट है जी, वह यार बेज्जती करा दिए सर आप भी, टैबलेट्स।
ठीक। टैबलेट्स हो गया, च्यूएबल मतलब जितने भी ओरल चीज़ खाने वाली हैं, खाने वाली चीज़ें जो मुंह से ली जाने वाली हैं, उसे यदि हम फ्लेवरिंग एजेंट मिला दें तो पेशेंट है इजिली क्या कर सकता, उसे ले सकता। ठीक। अनप्लसियंट टेस्ट ऑफ मेडिकामेंट इज मास्क कर दिया जाता है। जो अनप्लसियंट मतलब थोड़ा सा पसंदीदा नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस मेडिकामेंट को मास्क कर दिया जाता, बाइंड कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है उसका, यानी उसका जो भी अनप्लेसेंट जो भी स्वाद वैसा था उसे क्या कर दिया, सप्रेस करके, फ्लेवरिंग एजेंट एक्सप्रेस करके इजिली इनटेक कर सकता है कोई भी आदमी। ठीक। तो ये था इसके बारे में एडवांटेज। डिसएडवांटेज पे आते हैं। सर्टेन इंटॉलरेंस फ्लेवर डेट कैन नॉट बी मास, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, स्वाद ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जैसे दवा, बहुत सारी ऐसी दवा होती है जिस पे फ्लेवरिंग एजेंट मिला ही नहीं सकते, मिलाएंगे तो उसका कुछ टॉक्सिक सबस्टेंस निकल जाएगा, या वो ज़्यादा कड़वा है, वो ज़्यादा कड़वा थोड़ा बहुत सप्रेस कर सकते हैं किसी अदर यानी अदर फार्मास्यूटिकल ऐड से, मतलब उसमें फ्लेवरिंग एजेंट हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे मेल फर्न एक्सट्रैक्ट, मतलब एक फर्न एक प्लांट है, उससे जो निकलता है मेडिसिन बनाई जाती है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, फ्लेवरिंग एजेंट मिला ही नहीं सकते, क्योंकि ये कड़वा होता है, रिएक्ट करके कोई और सबस्टेंस बना देगा। तो ये सब रिएक्टिविटी वगैरह सब पे ध्यान रखा जाता है। मान लेते हैं हम सब पे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते चलें तो क्या करेगा, एक ऐसा सबस्टेंस बन जाएगा जिससे हमारे लिए दिक्कत, तो वो भी चीज़ हमें नहीं होना चाहिए। नॉट इनटेक डाइट इन डायबिटीज पेशेंट, मान लेते हैं कोई पेशेंट है फ्लेवरिंग एजेंट, वो क्या होता है उसे डाइट में मतलब तो थोड़ा सा अभी लिखे नो या लिटिल इसका इफेक्ट होता है। मान लेते कोई पेशेंट है फ्लेवरिंग एजेंट पे, उससे एलर्जी है, वो क्या कर सकता, वो उस फ्लेवर से एजेंट यानी क्या है, उसे एलर्जी है, तो क्या वो करेगा, वो नहीं ले सकता, तो ये डिसएडवांटेज। दूसरा, मैनी पेशेंट एलर्जी टू द फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो फ्लेवर होता है, यदि जैसे मान लेते वेनीला, वेनीला से उन्हें क्या होता है, इरीटेशन होता, इरिटेशन होता, वो क्या कर सकते, उसे नहीं ले सकते। तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल एड्स में। तो ये हमने देखा फ्लेवरिंग एजेंट का सबसे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन, जो एक डिटेल में हमने देखा क्या फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, यूज, और लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे क्या स्वीटनिंग एजेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।